तो एक बारी बटन दबाने पर टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों को मैं ऐसे रीजन बताऊंगा तो जिससे आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए ओवर अर्टिगा एंड एक्सएल 6। लेट्स गो। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट के डिजाइन से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे जो है एलईडी डीआरएल देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये जो है वो हैलोजन हेडलैम्प्स है जिनको हम विद टाइम चेंज करवा सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। गाड़ी का फ्रंट का डिज़ाइन भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, तो इसकी वजह से गाड़ी काफ़ी जल्दी जो है वो एज नहीं लगेगी। और फ्रंट के हमारे जो डोर हैंडल है उस पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। दैट मीन्स कीलेस एंट्री, अगर आपकी जेब में चाबी पड़ी हुई तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन और गाड़ी जो है वो खुल जाएगी विदाउट प्रेसिंग एनी बटन ऑन द की। और गाड़ी जो है वो अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है गाइस। मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। तो गाड़ी के अगर फिट एंड फिनिश की बात करूं, गाड़ी के अंदर जो है काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक है जो वो यूज किया गया है, बट अनलाइक द मारुति हार्ड प्लास्टिक, मारुति का जो प्लास्टिक वो काफी ज्यादा दबने लग जाता है। मैंने एक्सएल 6 भी देखी थी, अर्टिगा भी देखी थी, इवन दो शोरूम में खड़ी गाड़ियों को जो है मैंने उनका प्लास्टिक दबा के देखा था, तो वो इसके जैसा हार्ड नहीं था। यू कैन सी मैं इसको कितना दबा रहा हूं, बट ये हार्ड फील है, बट ये दब नहीं रहा है, तो उनका जो प्लास्टिक है वो दबने लग रहा था। फुल्ली डिजिटल जो है हमें यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं यार। यू कैन सी टीपीएमएस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी गाड़ी चल नहीं रही है। अदर देन दैट यहाँ पे हमें 8 इंच की जो है टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है काम करता है। ऑल्दो साउंड क्वालिटी की इसमें बात नहीं करेंगे। नीचे की तरफ आ जाता है हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड। और इसका एसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6 स्पीड का हमें यहाँ पे जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी के अंदर। और एसी की स्ट्रीमलाइन की बात करूं तो कुछ इस तरीके की जो देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं मुझे ऑडी Q7 की याद दिलाती है। थोड़ा और अगर उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ पे जो है कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो इसका ये आर्मरेस्ट है काफी ज्यादा यूजफुल है यार। यू कैन सी कितनी ज्यादा डीप स्टोरेज है इसके अंदर और ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। ऑल्दो ये मूव नहीं होता, अगर मूव होता तो और भी बढ़िया बात है, बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो आगे वाली जो ये सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट हो रखी है और पीछे वाली सीट भी मैंने इस टाइम पे पूरी पीछे कर रखी है। एंड यू कैन सी कि इतना ज्यादा स्पेस जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। एंड टॉकिंग अबाउट द हेडरूम, तो हेडरूम भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करवाएगा बिकॉज ऑफ द वेरी बिग विंडोज। एसी की अगर प्लेसमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे और पीछे भी दो इंडिपेंडेंट हमें यहाँ पे वेंट्स देखने को मिलते हैं, अनलाइक द अर्टिगा एंड एक्सएल 6 जो कि चारों के चारों वेंट्स हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। मैनुअल जो है हमें यहाँ पे हमारा सन ब्लाइंड देखने को मिलेगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। एंड द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ दिस कार इज द वन टच टम्बल डाउन। तो एक बारी बटन दबाने पर ये जो पूरी सीट है एक बारी में पूरी टम्बल डाउन हो जाएंगे। दिस इज हाउ द अमाउंट ऑफ स्पेस विच यू आर गेटिंग इन द थर्ड रो। अभी ये जो दोनों सीट्स हैं ये पूरी पीछे हो रखी है और ये पीछे की तरह रिक्लाइन हो रही है, तो अभी आप लोगों को इतना स्पेस देखने का नहीं मिलेगा, बट ट्रस्ट मी मैंने इसमें 300 किलोमीटर की जर्नी भी कर रखी है एंड आई वाज कंफर्टेबल इनफ। मुझे ऐसा नहीं लगा, हालांकि दो लोग होते तो थोड़ा सा मुझे फील होता कि थोड़ा सा टाइट फील हो रहा है, बट मैं अकेला था तो मैंने इजिली पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली थी। अब जैसे ये वाली सीट थोड़ी सी आ गई, ये वाली पूरी पीछे हो रही है। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ स्पेस व्हिच आई एम गेटिंग ओवर हियर इज डिसेंट इनफ। मतलब यहाँ पे मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विंडो दे रखी है। प्लस एमिनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है, बॉटल होल्डर भी है यहाँ पे और थोड़ा वो सामान यहाँ पे रखने के लिए है। थर्ड रो जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल है अनलाइक द अदर कार्स। और गाड़ी की अगर बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस जो है हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी का कवर रखा हुआ है, ट्रस्ट मी यहाँ पे 3 बैग इजीली मैंने रख दिए थे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे 3 बैग यहाँ पे इजीली आ गए थे। प्लस इन सीट्स का जो है वो हम रिक्लाइन एंगल भी जो है वो सेट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स अगर वो थोड़ी सी भी अगर पीछे की तरह रिक्लाइन हो तो हम इनको भी पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा कम्फर्ट जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर जो है वो फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आता है। दैट मींस अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई ऑब्जेक्ट है या बंपर टू बंपर ट्रैफिक में चला रहे हो, आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे जो है इसका आपको डिस्टेंस दिखा देगा कि कितने गाड़ी वो आपसे डिस्टेंस पे दूर है। गाड़ी में एक और फीचर आता है जो कि है हिल डिसेंट कंट्रोल। तो दैट मींस अगर आप किसी स्टीप डिक्लाइन पर हैं, अगर आप इस बटन को दबा देंगे या आपके स्पीडोमीटर पे शो कर देगा ऐसे, यही जो साइन यहाँ पर है सेम यही पे शो कर देगा और आपको गाड़ी न्यूट्रल पे छोड़ देनी है, अपने आप धीरे धीरे करके गाड़ी नीचे उतर जाएगी। गाड़ी के अंदर हिल होल्ड कंट्रोल भी आता है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में यूज कर लिंक आ रहा होगा, जरूर से देखना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मैं इस गाड़ी का एक और माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके माइलेज टेस्ट के लिए होगी। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया प्लीज यार लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे और बढ़िया से वीडियो में। दिल दिन आशीष रहेगा। ऑफ बाय।